तो दोस्तों कल दिया इंटरव्यू नरेंद्र मोदी ने एएनआई को और उसके बाद से ही लुटियंस मीडिया जो है इस बात पर मौखला गया है कि नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष और अन्य सारे लिब्रांडूज जो हैं इस पूरे इवेंट को, इस पूरे इंटरव्यू को फिक्स्ड इंटरव्यू कह रहे हैं। उसका कारण है, हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं सच्चाई कि यह इंटरव्यू फिक्स था या नहीं था। इसकी पूरी सच्चाई आप इस वीडियो में देखेंगे। देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिर ये लिब्रांडूज जितने भी हैं, ये ल्यूटन्स गैंग के जितने भी लोग हैं, ये कह क्या रहे हैं। सबसे पहले बरखा दत्त कहती हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लो, एक आदमी के सामने बैठकर स्क्रिप्टेड इंटरव्यू क्या चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। उसके बाद राजेश महापात्रा वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो था वो फिक्स था, ये भी मीडिया के सदस्य हैं। गौरव पंधी कांग्रेसी कोर, इंटरव्यू वॉज स्क्रिप्टेड, ये लिख रहे हैं। इसके बाद सागरिका घोष, भैया ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर लेते मोदी जी, क्या लगा रखा है एक आदमी के सामने बैठकर आपने इंटरव्यू दे दिया, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हम आपको ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये मनमोहन सिंह का बोल रहे हैं उसकी भी सच्चाई इस वीडियो के अंत में दिखाएंगे। लेकिन अभी चलते हैं अगले स्टेटमेंट पर। सुमंत राजन वो कहते हैं भाई क्या बकवास इंटरव्यू है, एक भी काउंटर क्वेश्चन नहीं है, एक भी बार मोदी को रोका नहीं गया है, क्या चल रहा है, ये सारा फिक्स्ड इंटरव्यू है। तो ये लुटियंस के जो गैंग है उन्होंने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है इस इंटरव्यू के बाद। जब तक इंटरव्यू नहीं हुआ था तब तक ये लोग कह रहे थे कि इंटरव्यू नहीं देते हैं। हालांकि हमने कल आपको वीडियो दिखाया है जिसके अंदर हमने ये साबित किया है कि मोदी ने 2015 से लेकर 2018 तक करीब 18 इंटरव्यू दिए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और किस प्रकार से मनमोहन सिंह से कितना ज्यादा उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया है इसके पूरे सबूत मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रहा हूं। लेकिन अब इस इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, इस इंटरव्यू को ये लोग फिक्स्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि भैया इसमें ना काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछे गए। हालांकि इसमें एनडीटीवी की पत्रकार जो है निधि राजदान, उन्होंने कहा है कि भाई टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मतलब सही में टफ पूछे गए हैं जब एनडीटीवी की पत्रकार ये कह रही है, तो सही में टफ क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। लेकिन फिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें इंटरजेक्शंस नहीं किए गए हैं, इसमें काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, एक सवाल के काउंटर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो चलिए अब आपको इसी इंटरव्यू के अंदर से सच्चाई दिखाते हैं। तो दोस्तों इस इंटरव्यू की शुरुआत स्मिता प्रकाश करती हैं मोदी से ये पूछते हुए कि भैया आप तो चुनाव हार गए हो 2018 में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह चुनाव हार गए हो, 5 चुनाव हारे हो आप, तो क्या 2019 जीत पाओगे आप। नेगेटिव न्यूज है, उसी से शुरुआत करूंगी। चुनावी हार के बाद आपकी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है कि 2019 के चुनाव जीत पाएंगे आप। मोदी इसका जवाब देते हैं, हमने आयुष्मान योजना लागू की, हमने सौभाग्य योजना लागू की, हमने गरीबों का इतना भला किया, हमने इतनी लाइट लगाई, इस प्रकार से जवाब देते हुए, यानी उन्होंने चुनाव पर डायरेक्ट बात इस सवाल के जवाब में नहीं की। मोदी के इस आंसर के बाद 3:35 पर एक काउंटर क्वेश्चन आ जाता है बीच में मोदी को रोकते हुए। स्मिता प्रकाश काउंटर क्वेश्चन पूछती हैं कि मोदी जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि ये चुनावी असफलता है या नहीं आप लोगों की, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, आप इसके बारे में तो बताइए। समय रहा है वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं चुनावी असफलता के बारे में कह रही थी। चुनाव को लेकर 5 राज्य में चुनाव हारी है बीजेपी और आप प्रधानमंत्री हैं बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की, तो क्या आप इसे एक हार नहीं मानते, इसे असफलता नहीं मानते। तो इसके जवाब में मोदी कहते हैं भाई तेलंगाना और मिजोरम में तो हम थे ही नहीं, छत्तीसगढ़ में हमारी 15 साल से सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, ठीक है हम वहां पर हार स्वीकार करते हैं, राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर एंटी इनकम्बेंसी थी इतने इतने साल की, उसके बावजूद हमने हंग असेंबली की है, तो वहां पर चुनाव इतना बुरा नहीं रहा है, इतने साल
के एंटी इनकम्बेंसी के बाद में। लेकिन इस चुनाव के बाद में हरियाणा में चुनाव हुए हैं, 5 में से 5 मेयर हमारे आए हैं, त्रिपुरा में चुनाव हुए हैं, 90% सीट्स हमारी आए हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अब 5 मिनट 17 सेकंड पर फिर से एक काउंटर क्वेश्चन आ जाता है इसी चीज पर, यानी 2018 में जो चुनाव हुए हैं उसमें हार्पर के जहां जहां आपने रैली की है मोदी जी, वहां वहां पर जो वोट शेयर है वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया, इसका क्या रीजन है, आप इसके बारे में जरा बताइए। आप वोट शेयर और सीट के बारे में कह रहे थे, जहां जहां आपने कैंपेनिंग के इन इलेक्शंस में, वहां पर वोट शेयर जो है सीटों में तब्दील नहीं हुई। और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ और मीडिया कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे मोदी वेव या मोदी मैजिक कम हो गया है या फिर नहीं के बराबर है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके जवाब में मोदी ने कहा कि भैया ये लोग ये तो मानने लगे कि चलो मोदी का कुछ मैजिक था, इस प्रकार से उन्होंने थोड़े से मजे ले लिए। और उसके बाद उन्होंने इस लुटियंस गैंग को बुरी तरीके से घेरा है, आपको ये इंटरव्यू सुनना चाहिए 6 मिनट के बाद। इसके बाद 7 मिनट 24 सेकंड पर स्मिता प्रकाश एक और इंटरजेक्शन करती है और कहती है मोदी जी आप तो चुनाव हार रहे हैं, आप चुनाव हारने लग गए हैं, आपका जादू कम हो रहा है इलेक्शन वाला, और आप 2019 का चुनाव जो होगा उसमें 180 सीट भी नहीं ला पाएंगे, इस प्रकार से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। पर ऑपोजिशन पार्टीज ये मान के चल रही है कि अगर मोदी वेव नहीं है या मोदी मैजिक कम हो गया है तो बीजेपी को 180 से कम मिलेगा, और 180 एक क्लब 180 ग्रुप है, तो वो एक एंटी मोदी या नॉन मोदी फैक्टर को लेकर चल रहे हैं। क्या ये हो सकता है, आप ये पिक्चर कर सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एक 180 से कम आ सकते हैं बीजेपी के? तो मोदी इसके जवाब में क्या कहते हैं, मोदी कहते हैं कि भैया ये ऑपोजिशन जो है ना वो ये हिसाब अब लगाएगी क्योंकि इन लोगों को अपने हक में लोग करने हैं, अपने साथ महागठबंधन करना है। इसके बाद 9 मिनट 40 सेकंड पर एक और इंटरजेक्शन आता है स्मिता प्रकाश का और वो पूछती है मोदी जी आप तो चुनाव हार रहे हो, 2018 में चुनाव हार गए हो आप 5 के 5, तो आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे वो तो दिख नहीं रहा है, कैसे करोगे? अगर आप ठीक है, अगर उनके नैरेटिव पे ना जाएं, अगर आपके नैरेटिव पे जाएं, तो आप 2013 से आपके नैरेटिव में कांग्रेस मुक्त भारत कई बार आ चुका है, लेकिन जिस तरह नतीजे आ रहे हैं सामान्य जो नागरिक है वो कांग्रेस को एक विकल्प एक ऑप्शन मान रहा है। इसीलिए तो हिंदी हार्टलैंड में जहां आपकी इतनी जड़ स्ट्रांग थी अब वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो गोल था आपका वो तो साकार नहीं हो पा रहा। इसके बाद नरेंद्र मोदी आंसर देते हैं भाई हम तो कांग्रेस एक सोच है, ये मेरे पार्लियामेंट में भाषण है, ये मेरी रैलीज में भाषण है कि कांग्रेस एक सोच है, उस सोच को नष्ट करना है कि जो परिवारवाद को प्रक्षय देती है, जो भाई भतीजावाद को प्रक्षय देती है, जो करप्शन को प्रक्षय देती है, उस सोच को हमें डिस्ट्रॉय करना है। इसके बाद 11 मिनट 40 सेकंड पर एक और इंटरजेक्शन आता है सेम क्वेश्चन पर, यानी 2018 के चुनावों की हार पर, के आप और अमित शाह की जोड़ी जो है वो तो चुनाव हार रही है, आप लोगों का मैजिक खत्म हो रहा है, 2018 के इलेक्शन उसका सबूत है, क्या करोगे भैया आप? 2017 तक शायद मोदी अमित शाह फैक्टर को एक कहा जाता था कि यू कैन नॉट बीट दिस कॉम्बिनेशन, लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे कि ये जो एक लीडरशिप है इसको अब जिम्मेदारी लेनी होगी कि इट्स दैट मैजिक इज नॉट देयर, यू आर लूजिंग इलेक्शन, यू आर लूजिंग। तो फिर अगर नैरेटिव आपका अगर इतना सफल है तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है कि इलेक्शन हार रहे हैं, तो लीडरशिप को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? उसके बाद मोदी जो है आंसर देते हैं कि भाई हमारी पार्टी जो है करोड़ों कार्यकर्ताओं से चलती है, अमित शाह और मोदी की जोड़ी से नहीं, अमित शाह और मोदी कोई मायने नहीं रखते। 2018 में ये जो चुनाव हुए बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं द रीजन फॉर द लॉस वॉज एक तो नोटबंदी और फिर GST के पुअर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी? यानी सिर्फ चुनावों की हार जो 2018 में हुई है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और मिजोरम में, उसके ऊपर ही करीब करीब 7-8 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए, काउंटर क्वेश्चन पूछे गए मोदी को इंटरजेक्ट करते हुए, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या रह जाता है, अब आप क्या चाहते हैं कि इंटरव्यूअर जो है वो सामने वाले के मुंह में उंगली डालकर उल्टी करवाए क्या? 7 काउंटर क्वेश्चन एक ही मुद्दे के ऊपर पूछे गए धड़ाधड़ उसके
बाद आप कह रहे हैं फॉलोअप क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद आप कह रहे हैं टफ क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद आप कह रहे हैं काउंटर क्वेश्चन नहीं है, तो भैया चाहते क्या हो जिंदगी से ये बता दो हमें। लेकिन यही लोग किस प्रकार से सोनिया गांधी का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं मैडम आपको बनाने में क्या पसंद है, आपके सासू माँ से कैसे संबंध थे, सास बहू की बनती थी भी या नहीं बनती थी, आपकी सास आपसे बाहर जाने के बारे में पूछती थी कि नहीं, जरा सुनिए। So it was not a traditional sas-bahu relationship. No. Because, you know, in, over the years, the stereotype, which perhaps influenced you to be frightened of Indira Gandhi, is that the mother-in-law, daughter-in-law relationship can be a tough one. She never made you feel like an outsider. No. Or that, you know, that you are someone who needs to, did she sort of insist that you adjust to Indian culture? Or she was told she kept a very, very good table. She was very clear about what people should have for lunch, for dinner. Indira Gandhi, as you say, outside the world of politics, was very much a homemaker. Was there a lot of privacy that she gave you all as a couple over years? Yes. और जो लोग ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह की, उन कॉन्फ्रेंसेस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे वो भी सुनिए। भारत में वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरा देश ये चाहता है कि टीम इंडिया जीते, आप क्या चाहते हैं? और जब इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में 2G, 3G, दामाद जी, जीजा जी जैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे और उनका अपनी तरीके से जवाब दे दिया जाता था, लेकिन उसके बाद काउंटर क्वेश्चन पूछे जाते थे तो किस प्रकार से चुप करवा दिया जाता था इंसान को, वो भी सुन लीजिए। Do you buy the zero loss claim on the 2G scam? No. You promise, Goswami, please don't. This is not interrogation of the Prime Minister. तो दोस्तों हमने आपको दिखाया है इस इंटरव्यू का सच। इस इंटरव्यू में काउंटर क्वेश्चन बहुत बड़े स्तर पर पूछे गए हैं, जिसके बारे में ये लोग झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के अंदर शायद काफी बड़ी मिर्ची लग गई है, अब उसका इलाज तो भैया कोई नहीं है, शायद सन्यासी फार्मेसी पर जाना चाहिए, वहीं पर घात, स्वप्न दोष और भगंदर का इलाज होता है, वहां पर जाइए, वहां पर अपना इलाज कराइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या फिर आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका सपोर्ट वांछनीय है, आप हमें सपोर्ट जरूर करिए। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।